हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ माई वॉइस इज क्लियर टू यू? सो मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? सो आप इस सेशन को आगे शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए, सो दैट हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। ओके, सो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दूँगा। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया अर्ली विट्जस्टीन की पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, और आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट लेटर विट्जस्टीनस लैंग्वेज गेम्स रूल फॉलोइंग प्राइवेट लैंग्वेज थ्योरी। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। एज इन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो विट्जस्टीन थे वो एक ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलासफर था, और उसका टाइम पीरियड जो है वो हमें 1889 से लेकर 1951 तक देखने को मिलता है, जिसने लेड किया बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लॉजिक, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज फिलासफी ऑफ माइंड। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो विट्जस्टीन की वर्क हैं वो डिवाइड होती हैं इनटू द टू पीरियड्स, दैट इज़ अर्ली विट्जस्टीन, जो कि विट्जस्टीन रिप्रेजेंट करता है अपनी बुक के अंदर, लॉजिको ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस, एंड लेटर विट्जस्टीन, जो कि विट्जस्टीन रिप्रेजेंट करता है अपनी अनदर बुक, दैट इज़ फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये जो बुक है फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, इसको पब्लिश किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ विट्जस्टीन, एमंग विच जो अर्ली विट्जस्टीन है दैट इज़ ट्रैक्टोलॉजिकस फिलासफिकस, जिसमें जो विट्जस्टीन है वो फोकस करता है ऑन द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और इसकी रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, और जिसके अंदर वो आल्सो मेंशन करता है कि जो लैंग्वेज है वो हमें पिक्चर देखने को मिलती है अबाउट रियलिटी एज वेल एज लिमिटेस ऑफ नॉलेज, जो कि हमें आल्सो इक्वल देखने को मिलती है टू द लिमिटेस ऑफ वर्ल्ड। बट जो लेटर विट्जस्टीन की वर्क है, जिसमें जो विट्जस्टीन है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट अप्रोच, जिसमें वो एम्फसाइज करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यूजेज इन द वेरियस प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस एंड रोल ऑफ लैंग्वेज कंटेक्स्ट डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। जो पीरियड है फ्रॉम अर्ली विट्जस्टीन टू लेटर विट्जस्टीन, ये हमें एक टाइप का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज अप टू द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ। और ये जो शिफ्ट है विट्जस्टीन का, ये आकर होता है ड्यू टू विट्जस्टीन डिससेटिस्फैक्शन विथ हिज अर्लियर वर्क, एज वेल एज ये हमें आल्सो देखने को मिलता है जब विट्जस्टीन कंटेक्ट रखते हैं विद वर्क्स ऑफ अदर फिलासफर्स लाइक प्रैग्मेटिस्ट्स और फिलासफर्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ड्यू टू विच हमें शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम अर्ली विट्जस्टीन टू लेटर विट्जस्टीन। बेसिकली जो विट्जस्टीन की लेटर वर्क है, दैट इज़ फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है एज होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लैंग्वेज, जिसमें विट्जस्टीन जो है वो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट वेज जिसमें जो लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज यूज़ करती है एक्चुअली इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। और इस नए अप्रोच के थ्रू जो विट्जस्टीन है वो लेड करता है, डेवलप करता है सिमिलर नई कंसेप्ट्स को, सच एज लैंग्वेज गेम्स, रूल फॉलोइंग, फैमिली रिजेंबलेंस, और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज सेंट्रल एंड मेजर पार्ट ऑफ विट्जस्टीन्स लेटर फिलासफी। नाउ ये हमें क्लियर होता है कि जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है, ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है इन लेटर विट्जस्टीनस फिलासफी, और ये जो कंसेप्ट है ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क और लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे लैंग्वेज जो है वो फंक्शन करती है इन वेरियस प्रैक्टिसेस एज वेल एज कंटेक्स्ट्स। और ये जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, ये आल्सो फोकस करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यूजेज रादर देन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को।
और थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस वेज जो कि लैंग्वेज यूज़ करती हैं इन लैंग्वेज गेम्स, जो कि जिसमें जो विटजेस्टीन है वो एम करते हैं दिखाने के लिए कि जो मीनिंग है किसी भी वर्ड या एक्सप्रेशन की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाई द यूजेज ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन इन पर्टिकुलर कंटेक्सट रादर दैन एनी नेचुरल और एसेंशियल प्रॉपर्टी। एज जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये प्ले करता है क्रूशल रोल विद इन द विटजेस्टीन क्रिटिसिज्म ऑल्सो वर्ड द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल प्रॉब्लम सच एज नेचर ऑफ मीनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ रूल फॉलोइंग। और थ्रू द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज गेम्स थ्योरी जो विटजेस्टीन है वो सीख करता है रिजॉल्व करता है बहुत सारे फिलासफिकल प्रॉब्लम्स को ये दिखा के कि जो फिलासफिकल प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज होती हैं थ्रू आवर मिसअंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आवर मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज रादर दैन फ्राम एनी जेन्युइन फिलासफिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज़। नाउ जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो लुडविग विटजेस्टीन थे वो एक ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलासफर था जिसने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज गेम्स अपनी लेटर फिलासफिकल वर्क्स के अंदर पर्टिकुलरली इन हिज बुक फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन। और जो लैंग्वेज गेम्स है ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है इन विटजेस्टीनस लेटर फिलासफी जो कि फोकस करता है ऑन द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ। बेसिकली जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलती है जो कि टेक प्लेस होती है थ्रू लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ जिसमें जो लोग होते हैं वो एंगेज होते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में लाइक वो ऑर्डर्स देते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज स्टोरीज़ सुनाते हैं एक दूसरे को एट्सेट्रा। और विटजेस्टीन जो है वो यूज़ करते हैं टर्म गेम एज अ मेटाफर फोकस करने के लिए ऑन रूल गवर्नड एज वेल एज सोशल नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज। साइंस जो लैंग्वेज गेम्स है ये हमें खाली लिमिटेड नहीं देखने को मिलता है अप टू द वर्बल कम्युनिकेशन बट ये हमें आल्सो लिमिटेड मतलब ये हमें इसमें आल्सो इंक्लूड किया जाता है नॉन वर्बल एलिमेंट्स को सच एज गेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज बॉडी लैंग्वेज। और जो विटजेस्टीन है वो आल्सो मेंशन करता है कि हमें कोई भी सिंगल और यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स नहीं देखने को मिलते हैं लैंग्वेज गेम्स के लिए बट इंस्टेड हर एक लैंग्वेज गेम जो है उसका हमें अपना ओन यूनिक सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलते हैं जो कि शेप होते हैं थ्रू द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एज वेल एज पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस जो विटजेस्टीन का कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल फिलासफिकल व्यूज को अबाउट मीनिंग जो कि फोकस करता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट्स। और विटजेस्टीन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होती हैं किसी भी वर्ड या एक्सप्रेशन की उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बाय द रेफरेंसेस अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड्स और आइडियाज़ बट रादर देन हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी यूजेज से विद इन स्पेसिफिक लैंग्वेज गेम। और ये जो परस्पेक्टिव हैं इसको हम आल्सो जानते हैं एज यूज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज जो कि एम्फसाइज करती हैं फोकस करती हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस वेज जिसमें जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स एंड पर्पजेस। विटजेस्टीन का जो ये कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम थ्योरी ये एक्चुअली हाईलाइट करता है वैराइटीज़ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ लैंग्वेज यूजेज ये दिखा के कि जो मीनिंग है ये हमें फिक्सड और स्टेटिक नहीं देखने को मिलती हैं बट रादर ये हमें डायनामिक देखने को मिलती हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं अडेप्ट करते हैं नए नए नीड्स ऑफ स्पीकर्स। और विटजेस्टीन आल्सो कहते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स हम गेन कर सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कैसे लैंग्वेज जो है इसका मतलब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एवरीडे वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और दस जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट हैं इसको रिगार्ड किया जाता है एज ए टूल एनालाइज करने के लिए यूजेज ऑफ लैंग्वेज सच एज लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट जो है ये प्रोवाइड करता है वेरिएबल सपोर्ट एनालाइज एज वेल एज कंपेयर करने के लिए डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन बोथ विद इन द कल्चर्स एज वेल एज अक्रॉस द कल्चर्स विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड अरेंजमेंट्स जो कि गवर्न करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज गेम कंसेप्ट को थ्रू विच हम बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं अबाउट द बेसिक और फंडामेंटल एजम्पशंस वैल्यूज जो कि शेप करते हैं हमारी वेज कम्युनिकेशन के लिए अमंग इंडिविजुअल्स। बिसाइड्स जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये आल्सो हेल्प करती हैं हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए
एज वेल एज चैलेंज करने में लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस एज एंड स्टीरियोटाइप्स और ओवर सिंप्लीफाइड ओपिनियंस को थ्रू डिस्क्राइबिंग द वेरियस वेज जिनमें सर्टन एक्सप्रेशंस और वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो कि स्ट्रेंथन करते हैं पावर डायनामिक्स एज वेल एज सोशल हायरार्कीज को। और जो विटजस्टीन का लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है यह हमें इंकरेज करता है अडेप्ट करने के लिए मोर प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच स्टडी करने के लिए लैंग्वेज को थ्रू फोकसिंग ऑन एक्चुअल प्रैक्टिसेस एज वेल एज इंट्रैक्शंस ऑफ स्पीकर्स रादर देन एब्स्ट्रैक्ट सेपरेट थ्योरेटिकल मॉडल्स। और विटजस्टीन के अकॉर्डिंग थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग लैंग्वेज गेम्स among the various settings such as in politics, education, religion, media, हम gain कर सकते हैं valuable insights, ideas को into the complex and dynamic nature of human communication. Besides, जो private language argument है यह हमें also central theme देखने को मिलती है in Wittgenstein's later philosophy, particularly in his book Philosophical Investigation. Basically, जो private language है यह हमें hypothetical language देखने को मिलती है जो कि हमें एक्चुअली एक्चुअल लैंग्वेज नहीं देखने को मिलती है। इसको हम खाली अंडरस्टूड मतलब इसको खाली अंडरस्टूड करता है अंडरस्टैंड करता है एक सिंगल इंडिविजुअल अपने आप से मतलब अपने आप में वो इसको अंडरस्टैंड करता है बिकॉज ये जो प्राइवेट लैंग्वेज होती हैं ये बेसुड़ान होती हैं इंडिविजुअल की अपनी ओन यूनिक एक्सप्रेशंस और सेंसेशंस पे। और जो प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट है ये चैलेंज करता है एजर्शन को कि जो लैंग्वेज है ये हमें नेचुरली एज वेल एज सोशल फिनोमिना देखने को मिलती हैं जो कि बेसुड़ान होती हैं शेयर्ड प्रैक्टिसेस पे एज वेल एज कन्वेंशंस पे और एग्रीमेंट्स पे। और विटजस्टीन के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है प्राइवेट लैंग्वेज का ये लैक करता है लॉजिकल सेंसेस बिकॉज ये लैक करता है ऑल्सो नेसेसरी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए करेक्टनेस एज वेल एज इनकोरेक्टनेस ऑफ इट्स एक्सप्रेशंस। और विटजस्टीन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वर्ड और एक्सप्रेशन की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द यूजेज ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन विद इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज गेम कंसेप्ट। और ये जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं इनको गवर्न किया जाता है बाय सेट ऑफ शेयर्ड रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। और इन द एब्सेंस ऑफ दीज रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो प्राइवेट लैंग्वेज हैं वो अनेबल हैं मतलब वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकती हैं देन सूटेबल एज वेल एज कंसिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेशंस के लिए ट्रांसलेशन के लिए एज वेल एज प्राइवेट लैंग्वेज जो हैं इसको हार्ड मतलब ये हमें हार्ड देखने को मिल सकती हैं समझने के लिए इवन फॉर इट इज़ क्रिएटर जो कि इसको यूज़ करता है ना। अगर हम बात करते हैं कैसे लैंग्वेज गेम्स जो हैं वो चैलेंज करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। बेसिकली जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं पावरफुल फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे प्राइवेट लैंग्वेज जो हैं वो हमें पॉसिबल नहीं देखने को मिलती हैं बिकॉज जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट हैं वो एम्फासाइज करता है ऑन द सोशल एंड रूल गवर्नर नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज। एंड थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस वेज जिनमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है विद इन द डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स विटजस्टीन जो हैं वो दिखाते हैं कि जो मीनिंग है वो हमें हमेशा फिक्सड देखने को मिलता है विद इन ए स्पेसिफिक सोशल कंटेक्सट एज वेल एज इन दिस सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। और ये जो फ्रेमवर्क परस्पेक्टिव हैं ये चैलेंज करता है आइडिया को कि जो मीनिंग है वो हमें सोरली मतलब वो सोरली डिराइव होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंटरनल एक्सपीरियंसेस और सेंसेशंस। एक्चुअली ये हाईलाइट करती हैं क्रूशल रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज शेयर्ड एग्रीमेंट्स रूल्स डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। बस ये जो फ्रेमवर्क परस्पेक्टिव है ये चैलेंज करता है प्राइवेट लैंग्वेज कंसेप्ट को। बिसाइड्स जो विटजस्टीन का लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये आल्सो डिस्क्राइब रिवील करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एज वेल एज करेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज जो स्पीकर्स हैं वो कंस्टेंटली एडजस्ट करते हैं अपने लैंग्वेज यूजेज को जो कि बेस्ड ऑन होती हैं रेस्पॉन्स पे रेस्पॉन्स ऑफ यूजर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। और इन प्राइवेट लैंग्वेज हमें कोई भी नीड नहीं देखने को मिलती है फॉर फीडबैक या फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एज वेल एज करेक्शन की बिकॉज हियर जो लैंग्वेज हैं वो हमें लिमिटेड देखने को मिलती हैं ओनली अप टू इट्स यूज़र। सो ये जो लैक है एक्सटर्नल क्राइटेरिया की फॉर इवेल्युएशन ऑफ करेक्टर करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशंस ये इम्पॉसिबल बनाती हैं प्राइवेट लैंग्वेज के लिए एस्टेब्लिश करना स्टेबल और कंसिस्टेंट मीनिंग। और अल्टीमेटली ये जो वर्जन है प्राइवेट लैंग्वेज का ये कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाती हैं। बिसाइड्स शेयर्ड प्रैक्टिसेस जो हैं सोशल इंटरेक्शन या जो कंटेक्स्ट्स हैं सोशल कंटेक्स्ट्स वो आल्सो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल
इन द विट्जेंस्टीनिस लैंग्वेज गेम थ्योरी बिकॉज शेयर्ड एज वेल एज सोशल प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन फॉर द रूल्स एग्रीमेंट्स कन्वेंशनस जो कि गवर्न करते हैं लैंग्वेज यूजेज को और इफेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज गेम के लिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं लैंग्वेज गेम के उनको उनके पास मस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रूल्स प्रैक्टिसेस की डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट और ये जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती हैं ये शेप होती हैं बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज कल्चरल नॉर्म्स सोशल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस से जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी वेज ऑफ सोशल इंटरेक्शन को कम्युनिकेशन को जो कि ऑल्सो इंटरप्रिट करते हैं मीनिंग को इन डिफरेंट सेटिंग्स और ये जो विट्जेंस्टीन का फोकस है ऑन शेयर्ड प्रैक्टिसेस एज वेल एज सोशल कॉन्टेक्स्ट्स का ये एक्चुअली हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी एंड एसेसिबिलिटी इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज यहाँ पे जो मीनिंग है वो ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पीकर्स बट मीनिंग जो है वो हमें मतलब उसको हम बिल्ड कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द स्पीकर्स दस ये हमें डिपेंडेंट देखने को मिलता है और विट्जेंस्टीन के अकॉर्डिंग थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग द रूल ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट्स इन लैंग्वेज गेम्स हम गेन कर सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कम्प्लेक्स एंड डायनामिक नेचर ऑफ मीनिंग एज वेल एज अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड चैलेंजेस अबाउट द आइडियाज़ ऑफ प्रेवर लैंग्वेज बिसाइड्स रूल फॉलोइंग जो है वो हमें ऑल्सो सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है ऑफ विट्जेंस्टीन लेटर फिलासफी पर्टिकुलरली इन हिज वर्क फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें जो विट्जेंस्टीन है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द यूजेज ऑफ लैंग्वेज वो गवर्न इसको गवर्न किया जाता है थ्रू रूल्स जो कि हम सीखते हैं और जो कि हम फॉलो करते हैं और ये जो रूल्स हैं ये एक्ट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ आवर पार्टिसिपेशन इन द वेरियस सोशल प्रैक्टिसेस इंटरेक्शंस एंड लैंग्वेज गेम्स और ये जो रूल्स हैं ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट करते हैं मतलब ये हमें एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट देखने को मिलते हैं इन अदर वर्ड्स ये हमें डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट रूल्स देखने को मिलते हैं एक्सप्लिसिट डायरेक्ट रूल्स की अगर हम बात करें वो हैं ग्रामेटिकल रूल्स और आर्ग्यूमेंट्स और जो इम्प्लिसिट और इनडायरेक्ट रूल्स हैं वो हैं नॉर्म्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो कि गाइड करते हैं हमारी एवरीडे इंटरेक्शंस को विथ अदर्स दस जो रूल फॉलोइंग है ये हमें प्योरली मैकेनिकल नहीं देखने को मिलता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है बट ये हमें एक्टिव इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है एप्लीकेशन देखने को मिलती है रूल्स की जो कि इंडिविजुअल स्पीकर्स फॉलो करते हैं और ये जो इंडिविजुअल स्पीकर्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज यूजेज को थ्रू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली जो विट्जेंस्टीन का कंसेप्ट है रूल फॉलोइंग ये चैलेंज करता है आइडिया को नोशन को कि जो मीनिंग है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि टेक प्लेस होती हैं थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और जो कि ऑल्सो शेप करती हैं हमारी यूजेज ऑफ लैंग्वेज को हैंस बोथ लैंग्वेज गेम्स और जो रूल फॉलोइंग है ये हमें क्लोजली इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं इन विट्जेंस्टीन्स लेटर फिलासफी और बोथ जो हैं वो एम्फसाइज फोकस करते हैं ऑन सोशल कॉन्टेक्स्टुअल नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज इनमें से जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट हैं वो प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर रूल्स जिनको हम फॉलो करते हैं और अरेंज करते हैं और हर एक लैंग्वेज गेम जो है उसका हमें अपने ओन यूनिक सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलते हैं जो कि गवर्न करते हैं वेस को जो कि लैंग्वेज यूजेज में हमें देखने को मिलती हैं विद इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस लैंग्वेज गेम्स जो स्पीकर्स होते हैं वो लर्न करते हैं फॉलो करते हैं अप्लाई करते हैं रूल्स को जो कि स्पेसिफिक और रिक्वायर्ड होते हैं हर एक लैंग्वेज गेम कंसेप्ट के लिए थ्रू विच जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है मीनिंग एज वेल एज यूजेज जो होती हैं एक्सप्रेशन जो होती हैं वर्ड्स की वो टेक प्लेस होती हैं दस जो रूल फॉलोइंग हैं ये हमें एसेंशियल देखने को मिलती हैं फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ लैंग्वेज गेम्स बिकॉज इसके थ्रू जो स्पीकर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्शंस को एज वेल एज वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ दस जो विट्जेंस्टीन का फोकस है ऑन रूल फॉलोइंग एज वेल एज लैंग्वेज गेम कंसेप्ट यह एक्चुअली हाईलाइट करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग
बिसाइड्स वन ऑफ द मेजर की इशू जो हैं जो कि विट्जेंस्टीन एड्रेस करता है अपनी लेटर वर्क में, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रेटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ रूलर्स सच एज ये जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सप्लेनेशंस हैं रूल्स की, ये अराइज होती हैं ड्यू टू द नेचुरल वर्ड्स और स्टेटमेंट्स जो कि हमें ओपन देखने को मिलते हैं फॉर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एज वेल। और विट्जेंस्टीन के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो हमें फिक्सड नहीं देखने को मिलते हैं डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को, बट जो रूल्स हैं उनके लिए इंटरप्रिटेशन और जजमेंट की ज़रूरत पड़ती हैं फॉर इंडिविजुअल स्पीकर्स। दस ये जो इशू है ये आल्सो रेज करता है क्वेश्चन कि कैसे स्पीकर्स जो है वो रीच कर सकते हैं अप टू द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स अंडर डाइवर्जेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन। वेल जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये प्ले करता है क्रूशल रोल एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है कंटेक्स्ट स्पीकर्स के लिए जिसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो ट्रांसफर रिफाइन करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द रूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड फीडबैक, वो एज वेल एज थ्रू एंगेजिंग इन वेरियस लैंग्वेज गेम्स जो स्पीकर्स हैं वो डेवलप करते हैं शेयर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एग्रीमेंट्स जो कि आल्सो हेल्प करते हैं स्पीकर्स को स्टेबल और क्लैरिफाई करने के लिए मीनिंग ऑफ रूल्स को ओवर टाइम। और दस हमें क्लियर होता है कि जो विट्जेंस्टीन है वो एम्फसाइज करता है लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट एज वेल एज रूल फॉलोइंग कंसेप्ट जो कि ऑफर करती है हमें डायनामिक फ्लेक्सिबल एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अकाउंट ऑफ मीनिंग जो कि रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एज वेल एज म्यूचुअल एडजस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। साइड जो फैमिली रिजेंबलेंस हैं वो हमें अनदर की कंसेप्ट देखने को मिलती हैं लीडर विट्जेंस्टीन फिलासफी की, जिसमें जो विट्जेंस्टीन है वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी वर्क फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन को, यानी विट्जेंस्टीन इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है अपनी वर्क फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन में। और ये जो आइडिया है फैमिली रिजेंबलेंस का ये हमें बीसड़ों देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन पे अबाउट द थिंग्स लाइक फैमिली मेम्बर्स जो कि शेयर करते हैं सेट ऑफ ओवरलैपिंग इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड फीचर्स रादर देन सिंगल एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। विट्जेंस्टीन जो है वो एक्चुअली यूज़ करता है इस व्यू को चैलेंज करने के लिए ट्रेडिशनल व्यूज को, दैट इज़ जो मीनिंग है वर्ड और कंसेप्ट की उसको डिटरमाइन किया जाता है थ्रू फिक्स्ड सेट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज और फीचर्स। इंस्टेड विट्जेंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होती हैं किसी भी वर्ड और कंसेप्ट की वो हमें फ्लेक्सिबल एज वेल एज डायनामिक देखने को मिलती हैं जो कि शेप होती हैं थ्रू वेरियस वेज जिनको यूज़ करते हैं हम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स एज वेल एज लैंग्वेज गेम्स में। बेसिकली जो फैमिली रिजेंबलेंस और कंपैरिजन है ये फोकस करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट इंस्टेंसेस और प्रोपस ऑफ वर्ड और कंसेप्ट्स रादर दैन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन और सेट ऑफ क्राइटेरियाज। और जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये प्रोवाइड करता है कंक्रीट क्लियर पिक्चर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फैमिली रिजेंबलेंस, बिकॉज जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये दिखाती हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डाइवर्स और इंटरकनेक्टेड वेज को फॉर द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल प्रैक्टिसेस एंड कंटेक्स्ट्स। और विट्जेंस्टीन के अकॉर्डिंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटर रिलेटेडनेस इंटरकनेक्टेड फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स और कंटेक्स्ट्स विदाउट द डिपेंडेंस ऑन फिक्स्ड सेट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल वर्ड गेम जो है इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिजेंबलेंस, बिकॉज जो टर्म गेम है ये डिनोट करती है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करती हैं वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बोर्ड गेम्स वीडियो गेम्स जो कि एक्चुअली हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं या शेयर करते हैं कनेक्शंस सिमिलर कनेक्शंस, बट एक्चुअली वो हमें सिंगल और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिलते हैं। और ये जो अप्रोच है मीनिंग के लिए इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिटेल्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। दस जो इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेडनेस हैं वर्ड्स या कंसेप्ट्स की वो तब बेटर सूट करते हैं कैप्चर करने के लिए कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन को जब हमें डिटेल्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट लैंग्वेज। यानी से जो कंसेप्ट है फैमिली रिजेंबलेंस का ये हमें सिग्निफिकेंट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग के लिए एज वेल एज नेचर ऑफ लैंग्वेज के लिए।
एंड थ्रू फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी एंड कनेक्शन बिटवीन द साइंस और वर्ड्स और कॉन्सेप्ट जो फैमिली रिसेम्बलेंस है ये चैलेंज करती है आइडिया को कि जो मीनिंग है वो हमें फिक्सड और डिटरमाइनर देखने को मिलती हैं बाय सेट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़। और ये जो पर्सपेक्टिव है फैमिली रिजम्बलेंस का ये इंक्वायरीज करती हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं मोर कंटेक्स्ट सेंसिटिव एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो कि ऑल्सो फोकस करती हैं ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस और इंट्रैक्शन ऑफ स्पीकरस रादर दैन एबस्ट्रैक्ट थ्योरिटिकल मॉडल्स। बिसाइड्स जो फैमिली रिजम्बलेंस है इसका हमें ऑल्सो इंपॉर्टेंट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं फॉर इट्स स्टडी एज वेल एज फॉर द स्टडी ऑफ कैटेगराइजेशन एंड कंसेप्चुलाइजेशन जो कि आल्सो सजेस्ट करती हैं कि जो हमारी मेंटल कैटेगरीज या कंसेप्ट्स होती हैं वो हमें रिजिड नहीं देखने को मिलती हैं या फिक्स्ड नहीं देखने को मिलती हैं बट इनस्टेड जो हमारी मेंटल कैटेगरीज या कंसेप्ट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं या वो हमें डायनामिक देखने को मिलती हैं जो कि अडेप्ट करते हैं नए नीड्स ऑफ द स्पीकर्स। ओवरऑल जो कंसेप्ट है फैमिली रिजम्बलेंस का इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज गेम्स कॉन्सेप्ट जो कि ऑफर करता है हमें मोर डायनामिक एज वेल एज फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग एज वेल एज नेचर ऑफ लैंग्वेज के लिए। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्रिजस्टीन का क्रिटिक टुवर्ड्स द एसेंशियलिज्म इन लैंग्वेज एंड मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एसेंशियलिज्म क्या है। जो एसेंशियलिज्म है ये हमें फिलासफिकल व्यू देखने को मिलती हैं जो कि मेनटेन करती है कि जो सर्टन एंटिटीज़ और कंसेप्टस होते हैं वो हमें नेचुरल एज वेल एज फिक्सड देखने को मिलते हैं जो कि इनहेरेंटली अनचेंजिंग देखने को मिलते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं और जो कि हमें नेचुरल और जिनको मेनली नेचर डिफाइन करता है अंडर द डोमेन ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग। जो एसेंशियलिज्म है ये सजेस्ट करती हैं कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस होते हैं वो फिक्सड हमें देखने को मिलते हैं और उनकी हमें ऑब्जेक्टिव मीनिंग देखने को मिलती है और जो कि आल्सो इंडिपेंडेंट हमें देखने को मिलती हैं इन देयर यूजेज एज वेल एज कंटेक्स्ट। और जो ब्रिजस्टीन की लेटर फिलासफी हैं पर्टिकुलरली उसका कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज गेम्स वो चैलेंज करता है इस एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग को। और ब्रिजस्टीन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होती है वर्ड्स या एक्सप्रेशंस की उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं थ्रू इनहेरेंट और नेचुरल और एसेंशियल प्रॉपर्टीज रादर हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाई इट्स यूजेज विद इन ए स्पेसिफिक गेम लैंग्वेज कंसेप्ट। और ये जो परस्पेक्टिव है ब्रिजस्टीन का इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग जो कि एम्फसाइज करती हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेज जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट कंटेक्स्टस फॉर डिफरेंट पर्पजेज। बेसिकली ब्रिजस्टीन का क्रिटिक है एसेंशियलिज्म की रिगार्डिंग हाईलाइट करता है फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ मीनिंग जो कि दिखाती है कि जो मीनिंग है वो हमें फिक्सड और स्टेटिक नहीं देखने को मिलती हैं बट इनस्टेड वो हमें डायनेमिक देखने को मिलती हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती हैं अडेप्ट करते हैं नाइन ईयर्स ऑफ द स्पीकर्स। जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट है ये प्रोवाइड करता है हमारे लिए फ्रेमवर्क एज वेल एज सपोर्ट स्ट्रक्चर चैलेंज करने के लिए एसेंशियलिस्ट व्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग बिकॉज जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये फोकस करता है एम्फसाइज करता है ऑन द सोशल एज वेल एज रूल गवर्नर नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज। और थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस वेज जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स जो ब्रिजस्टीन है वो दिखाते हैं कि जो मीनिंग है वो हमें हमेशा फिक्सड और एम्बेडेड देखने को मिलता है विद इन स्पेसिफिक सोशल कंटेक्स्ट एज वेल एज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। और ये जो पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज गेम्स का ये चैलेंज करता है आइडिया को कि जो मीनिंग है उसको मतलब उसको सोली डिराइव किया जाता है फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंटरनल एक्सपीरियंसेस और सेंसेशंस। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये आल्सो हाईलाइट करता है क्रूशल रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज शेयर्ड कन्वेंशनस रूल्स डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो ब्रिजस्टीन का लैंग्वेज गेम कंसेप्ट है वो डिस्क्राइब करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड करेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज जो स्पीकर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हैं अपने लैंग्वेज यूजेज को थ्रू द रेस्पॉन्सेज ऑफ देयर एसोसिएट्स। और इन प्राइवेट लैंग्वेज हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलती है फीडबैक करेक्शन के लिए। और ये जो प्राइवेट लैंग्वेज है ये हमें खाली लिमिटेड देखने को मिलती है अप टू द यूजर्स ऑफ द प्राइवेट लैंग्वेज। और ये जो लैक है क्राइटेरिया का ये हमें जो कि हम यूज़ करते हैं करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन ये जो लैक है क्राइटेरिया का जो कि है कि जो प्राइवेट लैंग्वेज है वो हमें खाली लिमिटेड देखने को मिलती है अप टू इट्स यूज़र।
ये जो क्राइटेरिया हैं जो एक्चुअली प्राइवेट लैंग्वेज लैग करती हैं, ये इम्पॉसिबल बनाता है प्राइवेट लैंग्वेज के लिए एस्टेब्लिश करना स्टेबल एज वेल एज कंसिस्टेंट मीनिंग। और इसका जो वर्जन है वो कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाता है। बिसाइड्स जो इम्पैक्ट है विटजेंस्टीन का टुवर्ड्स एसेंशियलिज्म, उसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑल्सो देखने को मिलता है ऑन वेरियस ट्रेडिशनल फिलासफिकल डिबेट्स पे, पर्टिकुलरली ऑन दोज डिबेट्स जो कि हमें रिलेटेड देखने को मिलते हैं टू द नेचर ऑफ मीनिंग एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ रूल फॉलोइंग, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और थ्रू चैलेंजिंग द एसेंशियलिस्ट व्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जो विटजेंस्टीन लैंग्वेज गेम्स का शिफ्ट है जो कि फोकस करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज अप टू द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ, और ये जो शिफ्ट हैं इसकी वजह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिली नए फिलोसफिकल अप्रोचेस की, सच एज प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच, ऑर्डिनरी लैंग्वेज ट्रेडिशन। और ये जो फिलोसफिकल अप्रोच हैं ये एम्फसाइज करते हैं ऑल्सो ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस वेज जो कि लैंग्वेज यूज़ करती हैं इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। और जो विटजेंस्टीन के क्रिटिक हैं एसेंशियलिज्म के, वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क्स ऑफ मनी फिलासफर्स सच एज जे एल ऑस्टिन, गिलबर्ट रायल, जॉन सियरले, जो कि फर्दर डेवलप और रिफाइन करते हैं यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग को एज वेल एज इसके इम्प्लीकेशंस को, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस को अबाउट द वेरियस फिलासफिकल इशूज। ओवरऑल जो विटजेंस्टीन का लैंग्वेज गेम्स कॉन्सेप्ट है एज वेल एज क्रिटिक जो है एसेंशियलिज्म का, वो ऑल्सो प्ले करते हैं क्रूशल रोल शेप करने के लिए कंटेम्पोररी डिबेट्स ऑन लैंग्वेज मीनिंग एज वेल एज नेचर ऑफ फिलासफिकल इंक्वायरी। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन है ये हमें बुक देखने को मिलती है लुडविग विटजेंस्टीन की, जो जिसको पब्लिश किया गया आफ्टर हिज डेथ, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोर ऑफ विटजेंस्टीन्स लेटर फिलासफी एंड लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट, जो कि हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलते हैं इन फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डाइवर्स एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज थ्रू आउट दिस वर्क। जो विटजेंस्टीन है वो यूज़ करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स क्लैरिफाई करने के लिए उसके आर्ग्यूमेंट्स और चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल फिलासफिकल व्यूज ऑन मीनिंग एज वेल एज रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो लैंग्वेज गेम्स है यह हमें आइसोलेटेड कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता है इन फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्लोजली कनेक्टेड एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद अदर की आइडियाज सच एज रूल फॉलोइंग, फैमिली रिजेंबलेंस एज वेल एज क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज गेम्स कॉन्सेप्ट है ये हमें ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलता है विद अदर सिमिलर की कंसेप्ट इन फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक्ट करते हैं एज ए क्रिटिक्स टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल फिलासफिकल अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग सच एज जो रूल फॉलोइंग, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो रूल फॉलोइंग है ये हमें एसेंशियल आस्पेक्ट देखने को मिलता है लैंग्वेज गेम्स का, जो कि गवर्न करते हैं जिसमें गवर्न किया जाता है वेज ऑफ लैंग्वेज यूजेज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। और जो विटजेंस्टीन है वो फोकस करते हैं ऑन रूल फॉलोइंग हाईलाइट करने के लिए सोशल एंड कोऑपरेटिव नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज, और वो ऑल्सो चैलेंज करता है आइडिया के जो मीनिंग है वो हमें उसको सोली डिटरमाइन किया जाता है बाय इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अनदर जो है दैट इज़ फैमिली रिजेंबलेंस, ये भी हमने डिस्कस किया। लैंग्वेज गेम्स जो हैं वो ऑल्सो हेल्प करती हैं क्लैरिफाई करने के लिए कंसेप्ट ऑफ फैमिली रिजेंबलेंस, बिकॉज फैमिली रिजेंबलेंस जो हैं ये दिखाती हैं डाइवर्स एज वेल एज इंटरकनेक्टेड वेज जहाँ पर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन वेरियस सोशल प्रैक्टिस एंड कंटेक्स्ट। और ये जो कंसेप्ट है फैमिली रिजेंबलेंस का, ये चैलेंज करना है ट्रेडिशनल व्यूज अबाउट द मीनिंग, कि जो मीनिंग होती हैं किसी भी वर्ड और कॉन्सेप्ट की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू फिक्स्ड और एसेंशियल प्रॉपर्टीज, बट इंस्टेड ये एम्फसाइज करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी एंड कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एविडेंसेस और वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स। नाउ अनदर जो है दैट इज़ क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, हियर लैंग्वेज गेम्स जो हैं वो ऑल्सो प्ले करती हैं क्रूशल रोल इन विटजेंस्टीन्स इन द फॉर्म ऑफ विटजेंस्टीन्स क्रिटिक्स ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, बिकॉज प्राइवेट लैंग्वेज जो है वो एम्फसाइज करती हैं ऑन सोशल एज वेल एज रूल गवर्नर नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज एंड थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस वेज जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स। जो विटजेंस्टीन है वो दिखाते हैं कि जो मीनिंग होती है वर्ड्स की एक्सप्रेशंस की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस रादर देन नेचुरल और एसेंशियल प्रॉपर्टीज।
बस ये हमें क्लियर होता है कि जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, इसके हमें सिवरल इंपॉर्टेंट पर्पजेस देखने को मिलती हैं इन विटजस्टीन लेटर फिलासफी, बिकॉज ये एक्ट करता है एज ए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल फिलासफिकल अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, सच एज जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये प्रोवाइड करती है कंक्रीट क्लैरिफिकेशन अबाउट द डाइवर्स एंड हिटेरोजीनियस एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज, और ये आल्सो चैलेंज करता है इस आइडिया को कि जो मीनिंग है वो हमें फिक्सड और डिटरमाइनड उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय सेट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज। सेकंड, जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये फोकस करती हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशन पे इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, एज वेल एज ये आल्सो हाईलाइट करती हैं लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक एज वेल एज इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज। थर्ड, जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये ऑफर करती हैं हमें अवेलेबल फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ विद एंड अक्रॉस कल्चर्स, और एड्रेस करती हैं कम्प्लेक्स डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ओवरऑल जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, ये प्ले करता है क्रूशल रोल इन द प्रिस्टीन लेटर फिलासफी, जो कि एक्ट करता है एज अ क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल फिलासफिकल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, और जो कि प्रोवाइड करता है मोर डिटेल्ड पैटर्न एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। वाइल जब हम कंपेयर करते हैं लैंग्वेज गेम थ्योरी को विथ अदर फिलासफिकल अप्रोचेस, हम पाते हैं कि जो विटजस्टीन का कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, ये ऑफर करता है हमें यूनिक परस्पेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज। जैसे फर्स्ट जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये जो अप्रोच है ये हमें कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद वीना सर्कल फिलासफर्स, जो कि एम्फसाइज करते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड एम्पिरिकल वेरिफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। ऑन द अदर साइड जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये फोकस करती हैं ऑन द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल कंटेक्स्ट्स रादर देन लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड एम्पिरिकल कंटेंट। सेकंड जो है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, कि जो अप्रोच है इसको डेवलप किया बाय फर्डिनेंड डी सॉसरी, और ये जो अप्रोच है ये विव रखता है कि जो लैंग्वेज है ये हमें सिस्टम देखने को मिलती है साइंस, जहाँ पे मीनिंग जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है थ्रू साइंस विद इन द सिस्टम। वाइल जो लैंग्वेज गेम्स हैं रिकॉग्नाइज करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, जो कि एम्फसाइज करती हैं ऑन द रोल ऑफ कंटेक्स्ट एज वेल एज इट इज यूजेज शेप करने के लिए मीनिंग को, रादर देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। और थर्ड जो है दैट इज आइडियल लैंग्वेज फिलासफी, और ये जो अप्रोच है ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद फिलासफर्स लाइक ब्रटांड रसल गॉटलॉब फ्रीगी, जो कि डेवलप करते हैं फॉर्मल एज वेल एज लॉजिकल लैंग्वेज को, जो कि इनके अकॉर्डिंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी को। वाइल जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये फोकस करती हैं वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज डाइवर्स यूजेज ऑफ लैंग्वेज रादर देन आइडियल और परफेक्ट लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं सम स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेसेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, दैट इज जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये ऑफर करते हैं मोर डायनामिक एज वेल एज कंटेक्स्ट सेंसिटिव अकाउंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ मीनिंग, जो कि हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है फॉर कम्प्लेक्सिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, एंड थ्रू फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन वेरियस सोशल प्रैक्टिसेस, जो लैंग्वेज गेम्स हैं गेम्स कंसेप्ट है ये ऑफर करता है हमें मोर डायनामिक एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव डिस्क्रिप्शंस। दस जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ विद इन एंड अक्रॉस कल्चर्स, और जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल फिलासफिकल व्यूज ऑफ मीनिंग को, सच एज एसेंशियलिज्म आइडिया ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, जो कि विटजस्टीन मेनली इनकी रिगार्डिंग क्रिटिसाइज करता है। और ये जो लैंग्वेज गेम कंसेप्ट है ये ऑफर करता है हमें ऑल्टरनेटिव परस्पेक्टिव्स, जो कि एम्फसाइज करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस एंड सोशल कंटेक्स्ट। नाउ अगर हम वीकनेसेस की बात करें, सम क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, ये हमें टू अनक्लियर देखने को मिलता है, नॉन एग्जैक्ट देखने को मिलता है, और ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट बनता है, ये लैंग्वेज गेम थ्योरी के लिए डिफ़िकल्ट बनता है अप्लाई करने के लिए सिस्टमेटिक एज वेल एज प्लानड एंड एक्यूरेट वेज। और जो लैंग्वेज गेम्स हैं कंसेप्ट है ये प्रोवाइड नहीं करता है कम्प्रहेंसिव अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंग, बिकॉज ये खाली फोकस करता है ऑन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट रादर देन एड्रेसिंग ब्रॉडर क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग। और ये जो कंटेक्स्ट और यूजेज है लैंग्वेज गेम्स की, ये डिफ़िकल्ट बनाते हैं इसके लिए डेवलप करना जनरल
आर थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं आर डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स और कल्चरल कंटेक्स्ट्स में। बिसाइड्स जो इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज गेम्स थ्योरी का, उसको हम आल्सो हमें आल्सो देखने को मिलता है ऑन द सब्सिक्वेंट फिलासफर्स एज वेल एज थ्योरीज, जैसे कि ऑन ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलासफी। जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलासफिकल अप्रोच है, यह हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद फिलासफर्स लाइक जे एल एस्टिन, गिलबर्ट रायल। और ये जो फिलासफर्स हैं, ये शेयर करते हैं आल्सो विट्जेस्टीन के आइडियाज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे लैंग्वेज यूजेज एज वेल एज एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज गेम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड फिलासफिकल प्रॉब्लम्स। सेकेंड जो है, सेकेंड ऑन प्रैग्मेटिज्म, जो प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर्स हैं सच एज चार्ल्स सैंड्रस पर्सी, विलियम जेम्स, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ विट्जेस्टीन एंड रोल ऑफ लैंग्वेज कंटेक्स्ट डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग। दस जो प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच जो है वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद विट्जेस्टीन लैंग्वेज गेम थ्योरी। थर्ड जो है, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकन्स्ट्रक्शन। ये जो टू अप्रोचेस हैं, ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं फिलासफर सच एज जैक्वस दरीदा, माइकल फोगाल्ट। और ये जो अप्रोच है, ये हमें आल्सो बेस्ड ऑन देखने को मिलता है विट्जेस्टीनस क्रिटिक्स ऑफ एसेंशियलिज्म एज वेल एज विट्जेस्टीनस आइडिया ऑफ फिक्स्ड एंड स्टेबल मीनिंग। और ये जो अप्रोच है, एक्सप्लोर करना है वेज को जिनमें जो मीनिंग है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है, चेंज होता है, इवॉल्व होता है विद इन सोशल एज वेल एज हिस्टोरिकल फोर्सेस। ओवरऑल जो विट्जेस्टीन का कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, उसका हमें लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन द स्टडी ऑफ मीनिंग। और ये जो कंसेप्ट है, ये ऑफर करता है हमें यूनिक पर्सपेक्टिव जो कि कंटिन्यू शेप और मोल्ड करते हैं कंटेम्पोरेरी फिलासफिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस। नाउ अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ लैंग्वेज गेम थ्योरी, जो मेजर क्रिटिसिज्म्स है लैंग्वेज गेम थ्योरी के, वो है फर्स्ट जो है, दैट इज़ वैग्यूनेस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। सम क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं, उनमें आर्ग्यू किया जाता है कि जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम का, यह हमें अनक्लियर देखने को मिलता है, नॉन एग्जैक्ट देखने को मिलता है, जो कि डिफ़िकल्ट बनाता है लैंग्वेज गेम थ्योरी के लिए अप्लाई करना प्लानड एज वेल एज एक्यूरेट वेज। और यह आल्सो मेंशन किया जाता है कि जो विट्जेस्टीन की लेटर फिलासफी हैं, वो लैक करती हैं क्लियर डिफिनिशंस एज वेल एज एक्सेलेंस, ड्यू टू विच बिकॉज ये क्रिएट करते हैं कन्फ्यूजन एज वेल एज मिस इंटरप्रिटेशन। सेकेंड जो है, दैट इज ओवर एम्फेसिस ऑन कंटेक्स्ट यूज। अनदर क्रिटिसिज्म जो है विट्जेस्टीन, दैट इज कि जो विट्जेस्टीन है वो फोकस करते हैं ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, जो कि हमें फेल देखने को मिलता है अटेंड करने के लिए अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जैसे रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, इनहेरिट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। थर्ड जो है, दैट इज रिलेटिविज्म। कई क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो विट्जेस्टीन का एम्फेसिस देखने को मिलता है ऑन डाइवर्सिटी एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, उसकी वजह से हमें लिंग्विस्टिक और कल्चरल रिलेटिविज्म देखने को मिलते हैं, जो कि हमें एब्सोल्यूट नहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मीनिंग जो है वो एंटायरली सब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है, और जो कि हमें आल्सो डिपेंडेंट देखने को मिलता है ऑन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव और सोशल प्रैक्टिसेस पे। फोर्थ वन जो है, दैट इज़ इनकम्पेटेबिलिटी विद साइंटिफिक अप्रोच। क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो विट्जेस्टीन के लेटर फिलासफी हैं, वो को एग्जिस्ट नहीं करते हैं विद साइंटिफिक अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जैसे फॉर्मल लिंग्विस्टिक से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो विट्जेस्टीन की लैंग्वेज गेम थ्योरी है, वो खाली सीख करती हैं, अनकवर करती हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर्स को एज बेसिस फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट आर्ग्यूमेंट्स जो कि अपोज करते हैं टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ लैंग्वेज गेम थ्योरी। फर्स्ट वन जो है, दैट इज क्लेरिफाइंग द कंसेप्ट इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ वैग्यूनेस। जो प्रपोनेंट्स हैं लैंग्वेज गेम थ्योरी के, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो विट्जेस्टीन का अप्रोच है, ये हमें ये कंसेप्ट जो है, ये इसके लिए नहीं बना है कि ये प्रोवाइड करे रिचर्ड एज वेल एज फिक्सड और कम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ लैंग्वेज, बट ये जो कंसेप्ट है, ये ऑफर करता है फ्लेक्सिबल एज वेल एज कंटेक्स्ट सेंसिटिव फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स वेज ऑफ लैंग्वेज यूजेज।
सेकंड जो है दैट इज़ एड्रेसिंग मल्टीपल आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सम फिलासफर्स जो हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं लैंग्वेज गेम कंसेप्ट को, जो कि मेंशन करते हैं कि जो विटजेंस्टीन जो है वो फोकस करता है ऑन कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज यूजेज ऑफ लैंग्वेज, जो कि एक्चुअली एलिमिनेट नहीं करती हैं अदर आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज मीनिंग के, बट जो फिलासफर्स हैं लैंग्वेज गेम थ्योरी के वो मेंशन करते हैं कि ये कंप्लीट करता है एज वेल एज एनरिच करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। थर्ड जो है दैट इज़ अवॉइडिंग रिलेटिविज्म वाइल रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। जो प्रोपोनेंट्स हैं लैंग्वेज गेम्स थ्योरी के वो मेंशन करते हैं कि जो विटजेंस्टीन का अप्रोच है उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है रिलेटिविज्म और ट्रूथ और मॉरल वैल्यूज की, बिकॉज ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस एंड एग्रीमेंट्स की शेप करने के लिए मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ जो है दैट इज़ कंपेटेबिलिटी विद द साइंटिफिक अप्रोच। सपोर्टर जो है लैंग्वेज गेम थ्योरी के वो मेंशन करते हैं कि जो विटजेंस्टीन की लेटर फिलासफी है वो हमें ईजीली इंट्रैक्टफुल देखने को मिलती हैं विद द साइंटिफिक अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूबल इनसाइट्स आइडियाज़ अबाउट द स्पेसिफिक एंड प्रैग्मेटिक आस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आल्सो कंप्लीट और इन्फॉर्म करती हैं मोर फॉर्मल और कॉग्निटिव थ्योरीज़ को। और पॉपुलरिटी जो है लैंग्वेज गेम थ्योरी की, उसकी वजह से ये जो थ्योरी हैं इसको डिबेट किया बहुत सारी फिलासफर्स ने, और ये जो डिबेट्स हैं लैंग्वेज गेम थ्योरी ऑन विटजेंस्टीन्स लेटर फिलासफी ये कंटिन्यूसली इफेक्ट करते आए एरियाज ऑफ रिसर्च इंटरप्रिटेशन एज वेल एज ये जो लैंग्वेज गेम थ्योरी है इसको आल्सो क्रिटिसाइज किया गया और डिफेंड किया गया इन इट्स अप्रोच। और सम फिलासफर्स रिसर्चर्स जो हैं इंटीग्रेटिव अप्रोच के, उन्होंने कंबाइन किए इनसाइडर्स आइडियाज़ फ्राम लैंग्वेज गेम्स थ्योरी अबाउट अदर थ्योरीज एंड मेथड्स इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जैसे कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, फॉर्मल सिमेंटिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स, वाइल बाकी फिलासफर्स ने कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया पॉसिबल इफेक्ट्स इम्प्लिकेशन ऑफ लैंग्वेज गेम थ्योरी फॉर वेरियस फिलासफिकल इशूज सच एज नेचर ऑफ मीनिंग, द प्रॉब्लम ऑफ रूल फॉलोइंग, द क्रिटिक ऑफ एसेंशियलिज्म। और ये जो फिलासफर्स हैं इन्होंने फर्दर डेवलप और रिफाइन किया विटजेंस्टीन के आइडियाज़ को अंडर कंटेम्पोररी डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ओवरऑल जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का ये हमें इन्फ्लुएंशियल देखने को मिलता है, प्रो एक्टिव देखने को मिलता है, सॉरी प्रोवोकेटिव देखने को मिलता है, सर्विंग कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जो कि ऑफर करता है यूनिक पर्सपेक्टिव्स जो कि कंटिन्यूसली शेप और इन्फॉर्म करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। एट कंक्लूजन जो लैंग्वेज गेम्स थ्योरी है ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है एंड विटजेंस्टीन्स लेटर फिलासफी, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क लॉजिकल सपोर्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अबाउट द डाइवर्स कॉन्टेक्सुअल डिपेंडेंट नेचर ऑफ लैंग्वेज यूजेज, एंड थ्रू फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज ऑन सोशल प्रैक्टिसेस। जो लैंग्वेज गेम थ्योरी है ये चैलेंज करती है कई ट्रेडिशनल फिलासफिकल व्यूज को ऑन मीनिंग, जैसे एसेंशियलिज्म एज वेल एज प्राइवेट लैंग्वेज। जो विटजेंस्टीन का कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का, ये फोकस करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस, सोशल कॉन्टेक्स्ट्स, रूल फॉलोइंग अंडर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग। दस जो लैंग्वेज गेम थ्योरी है ये प्ले करती है क्रूशल रोल इन विटजेंस्टीन्स क्रिटिक्स इन द फॉर्म ऑफ विटजेंस्टीन्स क्रिटिक्स टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल फिलासफिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज नेचर ऑफ मीनिंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, द प्रॉब्लम ऑफ रूल फॉलोइंग। हेंस जो विटजेंस्टीन की लैंग्वेज गेम्स कॉन्सेप्ट है इसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, जो कि ऑफर करती है हमें यूनिक पर्सपेक्टिव्स जो कि कंटिन्यूसली शेप करते आए कंटेम्पोरेरी फिलासफिकल डिबेट्स एज वेल एज डिस्कशंस को, एंड थ्रू फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड यूजेज इन डिटरमाइनिंग मीनिंग। जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये कंट्रीब्यूट हेल्प करती हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज को शिफ्ट करने में टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ, और ये जो शिफ्ट है ये लेड करता है बहुत सारी डेवलपमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू फिलासफिकल अप्रोचेस सच एज प्रैग्मेटिस्ट और इन दी लैंग्वेज ट्रेडिशंस, जो कि एम्फसाइज करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग
अबाउट द वेरियस वेज जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, और जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट हैं ये आल्सो इन्फ्लुएंस होता है विद द वर्क्स ऑफ सक्सीडिंग फिलासफर्स सच एज जो लैंग्वेज गेम्स कंसेप्ट हैं ये आल्सो इन्फ्लुएंस करता है वर्क्स ऑफ सक्सीडिंग फिलासफर्स की, जैसे जेल ऑस्टिन, गिलबर्ट रॉयल, जॉन सिरली, जो कि फर्दर डेवलप और रिफाइन करते हैं द यूजेज थ्योरी ऑफ मीनिंग और इसके पॉसिबल इफेक्ट्स फॉर फिलासफिकल इशूज। आफ्टर द डेथ ऑफ विट्जेंस्टीन जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का कि हमें रेलिवेंट देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंशियल देखने को मिलता है ऑल्सो एमंग द कंटेम्पोरेरी फिलासफिकल डिस्कशंस, और जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड करती आई वेलेबल सपोर्ट फॉर द एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ विद इन एंड अक्रॉस कल्चर्स, एज वेल एज ये डिस्क्राइब करती आई कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, और जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम्स का ये कंटिन्यूसली ऑल्सो इन्फॉर्म करती आई बहुत सारी डिबेट्स को ऑन फिलासफिकल इशूज सच एज ऑन द नेचर ऑफ मीनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ रूल फॉलोइंग। और ड्यू टू अवर चेंजिंग इवॉल्विंग नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो इनसाइट्स आइडियाज प्रोवाइड की विट्जेंस्टीन ने सच एज लैंग्वेज गेम्स, ये अनडाउटली कंटिन्यूसली शेप करती आए और करती रहेंगी हमारी फ्यूचर फिलासफिकल इंक्वायरीज को एज वेल एज प्रेजेंट इंक्वायरीज फिलासफिकल इंक्वायरीज एंड डिस्कशंस को। दस ओवरऑल जो कंसेप्ट है लैंग्वेज गेम थ्योरी का, रूल फॉलोइंग का और फैमिली रिजेंबलेंस प्राइवेट लैंग्वेज, ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं अंडर द वर्क ऑफ विट्जेंस्टीन दैट इज़ फिलासफिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे फिलासफिकल डिस्क्रिप्शंस इंक्वायरीज डिस्कशंस को, और ये फर्दर आगे भी इन्फ्लुएंस करेंगे। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।